हेलो गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मी कैफे की ओर। तो देखिए, हम मी कैफे में पहुँच गए हैं। सो आज मैं मी कैफे के यहाँ मतलब पहुँच गया हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये मी कैफे, ये पार्किंग प्लेस बहुत बढ़िया है, आप इधर भी रख सकते हैं। सामने देखिए कार वॉश है और ये नाहरलगुन और ईटानगर के बीच में पाया जाता है। सो यहाँ में आई लव मनुश्री नर्सरी भी है। देखिए, गाड़ी पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम धीरे धीरे करके अंदर घुसते हैं। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ बैठने के लिए। सामने में यह हमें देखिए इतना बड़ा सुंदर बगीचा है, हमें नर्सरी है बुक्स है। चलिए अभी हम अंदर की ओर चलते हैं। वाओ, देखिए, यू कैन सी इट, बहुत बढ़िया है। अब हमारे यहाँ में दो कस्टमर्स को हम दिखाई दिए हैं। सो अभी कस्टमर्स बैठे हुए हैं। सो देखिए, यहाँ पे आपका बुक रखने का, पेट के कॉफ़ी के साथ पी के आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत सुंदर है। तो सर जी, आप कहाँ से आए हैं? ऑफिस से? अच्छा, ओ ठीक है। सर आपका नाम क्या है ना? ठीक है, उनको अभी साइड बुरा मान जाएंगे थोड़ा। तो देखिए, आप ये मी कैफे में आ सकते हैं। इसका लाइटनिंग हमको सबसे बहुत बढ़िया लगा है और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सुंदर है, वॉल इन गुड से। आप बोर होने के, अगर बोर हो जाते हैं तो यू कैन टेक सम बुक्स और आप रीड कर सकते हो। ये देखिए, फ्लोर को भी मैं दिखाता हूँ, वॉल इन गुड। तो मैं थोड़ी बाद में आपको ये दिखाता हूँ यहाँ का डिलीशियस फूड कैसा है। यहाँ पे केविन भी है, मैं आपको केबिन में की ओर लेके चलता हूँ। चलिए, हम अब बाहर जाते हुए एक बार केबिन को देखते हैं थोड़ा। चलिए, अभी मैं आपको केबिन की ओर लेके चल रहा हूँ। सो आप यहाँ से केबिन की ओर भी जा सकते हैं। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये है केबिन, अब मैं अंदर का केबिन दिखा रहा हूँ। लुक, इट्स सो गुड, नाइस। आप नीचे बैठ के आराम से बैठ सकते हो। आप कभी भी आ सकते हो, यहाँ बैठ के खा सकते हो फैमिली के साथ। देखिए, सो दिस आर द रूम्स, वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। देखिए, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ के नज़ारा देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आप तो अभी भी कंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ बैठ के मून को भी रात को ले सकते हो। देखिए, मून से बढ़िया है, ओवरऑल ऑल गुड। आप यहाँ से व्यूज़ लेके यहाँ पे सीट पे बैठ के यहाँ से खड़े होके या आना जाना ले सकते हो। देखिए, ये हाईवे है, नाहरलगुन वहाँ उस तरफ जाता है, इस तरफ ईटानगर आता है। सो गाइस, बहुत बढ़िया है। होप सो आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे। सो मैं अनुरोध करता हूँ, आई एम रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन दोज हु आर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ गाइस, यू कैन कम एंड विजिट दिस कैफे। ये पड़ता है आपका बिटवीन नाहरलगुन से आते समय बीच में और ईटानगर से आते समय बीच में। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। कीप वॉचिंग गाइस।